नमस्कार, बल्डवॉश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दमोह शहर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल का बटन दबाएं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों में। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 177 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा आज कर दी है, जिसमें एक बार पुनः दमोह विधानसभा में जयंत कुमार मलैया जी प्रत्याशी रहेंगे। वहीं हटा में पुराने विधायक उमा देवी खटीक की जगह नवीन प्रत्याशी पीएल तंतुआ को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं जयंत मलैया आज मीडिया से रूबरू हुए। आइए सुनते हैं जयंत मलैया जी ने क्या कहा। माननीय मंत्री जी, बहुत शुभकामनाएं। फिर से नाम आ गया, टिकट पार्टी ने दी है और अब आप चुनाव लड़ेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? अभी तो पार्टी के टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ 177 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, शेष 25 सीटों का संभवतः कल तक डिक्लेरेशन हो जाएगा और उसके बाद काम तो हम लोगों का पहले से ही चल रहा है, पूरे प्रदेश में काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ रहेगा इस बार के जो अगला 5 साल आपका होगा जो चुनाव, किस तरह की सोच, किस तरह के जो चुनावी जो हैं? देखिए, जो हमारा विकास का एजेंडा है और सामाजिक सरोकार का एजेंडा है, ये दोनों लगातार चलते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अभी हम जितना कर पाएंगे इसके आगे और जो भी कर सकते होंगे वो करेंगे। मानी दो स्थानों पर भी अभी घोषणा हुई है, दो और बाकी रहेंगे, कब तक घोषणा होने की संभावना? मेरे ख्याल से संभवतः एक दो दिन में घोषणा हो जाएगी। एक चौंकाने वाला नाम हटा का भी है, विधायक की टिकट काटने के बाद वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, राजनीति से उनका लेना देना नहीं था। अभी तो पार्टी का अपना सर्वे है, अपना सोच के उन्होंने किया होगा, क्योंकि पार्टी तो हर सीट जीतना चाहती है। इस बार क्या रहेगा चारों विधानसभा? चारों विधानसभा की सीटें जीतेंगे। निर्वाचन के लिए नामांकन भरने आज से प्रारंभ हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जहां अभी तक किसी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, वहीं नोटा जवेरा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री रत्नेश सालवन के बेटे आदित्य सालवन ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नामांकन फॉर्म भरा। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे पवित्र त्यौहार के चलते खाद्य अधिकारी श्री राकेश अहरवाल जी ने आज मिठाइयों की दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा, जिसमें प्रमुख रूप से किल्लाई नाका स्थित बीकानेर मिस्टर भंडार व तीन गुल्ली चौराहा स्थित जय सियाराम स्वीट्स भंडार से मिठाइयों के सैंपल लिए। साफ सफाई जो है।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार शहर की चारों विधानसभाओं में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हटा नगर में भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती प्रियंका झारिया के नेतृत्व में एक रैली दद्दा मंच से निकाली गई, जो रतन बजरिया अग्रसेन चौक होते हुए मां चंडी मंदिर के सामने से निकलती हुई गौरी शंकर मंदिर में समापन हुई। जगह जगह रैली का स्वागत किया गया व रास्ते में लोगों को तिलक लगाकर व पीले चावल से मतदान के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। आज सुबह नई पुलिस लाइन में बलवा परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल मौजूद रही, जिसमें मुख्य रूप से जवानों को आपातकाल में किस तरीके से पुलिस को बल का प्रयोग करना है व किस तरीके से आपात स्थिति से निपटना है के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। आपका मजमा गैर कानूनी करार दिया गया है। बेतल बेतल हो जाए, मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई, गोली चालान कार्रवाई की जाएगी।